चंदन गिरी की तरफ से मेड़ में गए हुए हैं। छह नंबर की पहली बैटरी में और बहुत ही शानदार पहले रेड में बोनस अंक अर्जित कर लिए हैं चंदन की पहली बैटरी। और बहुत ही शानदार इस कोटी का पकड़ा के क्रिकेट डिफेंडर और उतनी ही अगवाले टीम ने लुक समझा थे रेडिंग करते हुए दरगाह की टीम पीछे में चंद्र क्रिकेट टीम देखने को मिल रहा है। लेकिन इस शानदार टेबल बहुत ही बढ़िया हम भी किसी से कम नहीं है यह दो हर एक बार फिर से चंद्र की तरफ से रेड डालने के लिए गए हुए हैं दरगाह की पाले में और इस बार फिर से खाली दे फिर से गए हुए हैं छोटे छोटे खिलाड़ी दरगाह की तरफ से खिला ले किसी भी खिलाड़ी अपने आप को हार मारने के लिए तैयार नहीं है। और इस बार पॉइंट तो आपको ले जाना होगा, अगर पॉइंट नहीं ले जाओगे तो खुद वापस चले जाओगे क्योंकि ब्लू और लाइन रेड है और बोनस पॉइंट हम कभी चले और इस बार टाइम आउट लीजिएगा। फिर से मैच पुनः प्रारंभ हो चुका है, लगभग 5 मिनट का खेल बचा हुआ है लेकिन बहुत ही शानदार अब इस बार फिर से चितंबरी तरफ से रेड में गए हुए हैं। दो नंबर की जर्सी को शानदार दबोच लिया गया फिर से गए हुए हैं पिछला गच चैन निकालते थे निकालने के लिए और बहुत ही रोमांचक वापस देखने को मिल रहा है। अभी भी संभवतः एकदम की बढ़त बनाई हुई है चित्र भरी थी रात हर बार लालच की चक्कर में अपना पॉइंट को गवा बैठे आसानी से एक अंक अर्जित कर लिए थे लेकिन और अंक लाना है करके फिर से अपने पॉइंट गवा बैठे। और इस बार मैं स्कोर बताना चाहूंगा अभी बराबरी पे चल रहा है मैच अभी बराबरी पे चल रहा है और हाफ टाइम का अंतिम मिनट से 1 मिनट शेष बचा हुआ है 1 मिनट शेष बचा हुआ है और अभी भी दरगाह और चंदनपुरी के जो मैच जो भी मैच चल रहा है कुछ क्षण पहले बराबरी पे चल रहा था शानदार वापसी करते हुए एक अंक और जीतकर अपनी डबल भेजा दे पाले के बढ़ा ली है और इसी बीच यह टाइमर बंधु का इशारा आ रहा है मेरे पास यह अंतिम रेड है देखते हैं अंतिम रेड में कुछ कर पाते हैं क्या आपके टीम के लिए पकड़े पकड़े पर अच्छा है जाने एति के लिए नहीं आ बहुत ही शानदार तरीके से डिफेंडिंग का नजारा देख के और एक बार टाइम आउट हो चुका है देखिए फिर से खेल प्रारंभ हो चुका है और एक बार गड़बड़ी से गड़बड़ी करते हुए फिर से चंद्र के बाहर जाएंगे
मार देते हैं। समाप्त कर दिए है चंद्रबली का ऑल आउट कर दिए है और इसी के साथ हमारी बन बन चैन ने कलात पट्टी बंद कर निकल अब इसी तरीके से दरगाह की टीम छह अंकों से कई मारी नहीं से बढ़त बनाए हुए हैं और इस बार एक अंक फिर से कम हो चुका है। पांच अंक की बढ़त दरगाह टीम के पास है। पांच पॉइंट के लीड अभी भी समय बचा है और खेल में जब तक खेल का आखिरी क्षण नहीं समाप्त नहीं हो सकता तब तक कुछ करना बाकी है। बोनस का दावा किया था लेकिन एम्पायर की तरफ से कोई इशारा नहीं आया है। एम्पायर को प्रभावित नहीं कर पाया है खिलाड़ी बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक होगा और फिर से बहुत बढ़िया शानदार रेडिंग का नजारा फेस करते हुए फिर से गए हुए हैं चंद्रबली की तरफ से दो नंबर की गलती में अभी तक कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं लेकिन देखते हैं इस बार भी बोनस नहीं ले पाए हैं क्योंकि मैं बताना चाहूंगा बोनस के नियम कि एक पैर आपका बोनस लाइन लास्ट रहना चाहिए और एक पैर हवा में रहना चाहिए तब आपकी बोनस कंप्लीट मानी जाएगी। अगर स्लिप होता है तो वो बोनस नहीं माना जाएगा। बोनस का नियम है कि एक पैर बोनस लाइन क्लियर रहना चाहिए लेकिन इस बार इस बार दो बार टाई रेड में फिर से एक अंक अर्जित कर लिए। अगर इस थर्ड रेड है और दो और टाई रेड है इसमें तो पॉइंट लेना पड़ेगा आपको। अगर इसमें अगर पॉइंट नहीं ले पाए तो खुद ही खुद आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आपको बाहर जाना पड़ेगा। इसमें कुछ न कुछ होगा जरूर। इसमें कुछ न कुछ होगा जरूर मैं पहले बोला था। अगर इसमें रेडर पॉइंट नहीं लेता है तो उसको बाहर का रास्ता। भाई सब मजाक से लेते हैं अभी भी दरगाह की टीम तीन अंकों से बढ़त बनाई हुई है। तीन अंक की बढ़त अभी भी दरगाह टीम के पास मौजूद है और पूरी की पूरी टीम चंद्रबली के पास अभी भी है। सात के सात प्लेयर अभी भी मौजूद है मैदान में। अभी भी कुछ भी हो सकता है मैच में। अभी तो मैच का रोमांच असली रोमांच आना बाकी है। जैसे ही अंतिम समय आएगा और खेल का रोमांच सर पे चढ़ जाएगा और इस बार डिफेंडिंग और कमाल का टेकल इस बार दरगाह टीम का पकड़े ही नहीं है बिल्कुल। और बताना चाहूंगा लगभग पांच अंक की बढ़त बनाई हुई है और अंतिम तीन मिनट का खेल शेष बचा हुआ है। ध्यान दीजिएगा खिलाड़ी बंधु अंतिम तीन मिनट का खेल शेष बचा हुआ है। तो इस तीन मिनट में कुछ कमाल का खेल दिखाना होगा लेकिन फिर से एक डिफेंडर बाहर जाएंगे। बोनस नहीं देते अगर किसी को एम्पायर के ऊपर कोई शक है या फिर कुछ है तो आप एम्पायर कर सकते हैं आकर मैदान में। मैं पहले बोला था कि एम्पायर के ऊपर कोई दबाव नहीं डालेंगे। दर्शक तो फिर हेलो दर्शक सिर्फ आप खेल को देखते हैं लेकिन निर्णायक कितनी बड़ी बात होगी। आप कमेंट कर देते हैं निर्णायक के ऊपर लेकिन यह बहुत अंतिम दो मिनट केस बचा हुआ है। तो
दरगाह के टीम अभी 6 अंकों की बढ़त बनाई हुई है। दरगाह के टीम और समय भी धीरे धीरे निकलता जा रहा है और हेड टच का दावा फिर से किया है और फिर से और यहाँ पर टाइम आउट लिए हैं दरगाह के टीम टाइम आउट और इसके तुरंत पश्चात दोगुना बढ़ते खबर पड़ा। तैयार रहिएगा सुपर टेकल आन। इस बात को खुश करना होगा चेतन गरीब सिंह को तभी आप मैच में वापसी कर सकते हैं। समय भी या मैच आपके हाथ से आपके मुट्ठी से भी निकल जाएगा। कुछ ही समय बचा हुआ है अब बता रहा है टाइमर बंधु सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट से खेल बचा हुआ है मतलब 60 सेकंड का खेल बचा हुआ है और 60 सेकंड में सिर्फ 2 से 3 और 3 से 4 रेड जाया जा सकता है। इस बार बोनस रन अर्जित कर लिए हैं चंदनबरी के रेडर अभी भी सुपर टेकल आर है देखते हैं लेकिन इस बार फिर से और टाइगर बता रहे हैं कि यहाँ अच्छा रेट है और एक करोड़ जा सकता है समय है अभी फिलहाल लीजिएगा मैच अब फिर तौर से औपचारिकता ही बची हुई है और शानदार तरीके से दरगाह की टीम इस मैच में विजयी होती हुई